देहरा से रानीताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 80 की स्पीड से फराटा भरती गाड़ियों में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बनखड़ी में उनसे मात्र 10 मीटर दूरी पर एक तरफ ऐसी सड़क भी है जहां पर आप 80 कदम भी पैदल ठीक से नहीं चल सकते हैं। दरअसल ये दुर्दशा है शेर लोहारा पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क की। लोगों की इस समस्या को देखने के लिए जब देहरा भाजपा युवा नेता सुकृत सागर ने गांव का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि इस सड़क की इतनी दुर्दशा है कि आम दिनों में भी यहां पर पैदल नहीं चला जा सकता। भाजपा युवा नेता सागर ने कहा कि लोगों की ये समस्या काफी बड़ी है तथा इसके समाधान के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। देहरा से रानीताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 80 की स्पीड से फराटा भरती गाड़ियों में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते कि बनखंडी में उनसे मात्र 10 मीटर दूरी पर एक तरफ ऐसी सड़क भी है जहां पर आप 80 कदम भी पैदल ठीक से नहीं चल सकते। दरअसल ये दुर्दशा है शेर लोहारा पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क की। ये सड़क दियोलडू शेर लोहारा कलर गांव से होते हुए लगभग 3000 की आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ती है जिसमें की अधिकतम आबादी अनुसूचित जाति से है। लोगों की इस समस्या को देखने के लिए जब देहरा भाजपा युवा नेता सुकृत सागर ने गांव का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि इस सड़क की इतनी दुर्दशा है कि आम दिनों में भी यहां पर पैदल नहीं चला जा सकता। सड़क न होने की वजह से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो लोगों ने खुद ही 2 लाख इकट्ठा कर एक डंगा भी सड़क को बचाने के लिए अपने पैसे से बनवाया है। हालांकि पूर्व विधायक रविंदर रवि ने इस सड़क में निर्माण के लिए 2 पुलिया बनवाने के लिए पैसे दिए हुए थे लेकिन प्रशासन वो भी नहीं बनवा पाया। बाद में सुकृत सागर ने कहा कि ये सड़क बिल्कुल नाले में बदल चुकी है और यहाँ पर पैदल चलना भी नामुमकिन है। लोगों को मजबूरन सड़क छोड़कर फसल से भरे हुए खेतों से होकर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क में सबसे पहले पुलिया बननी है तो मैंने अधिकारियों को इसकी जानकारी मौके से ही दे दी है तथा निवेदन किया है कि जल्द ही पुलिया का टेंडर करवाकर काम शुरू करवाएं। पुलियों के लिए कुछ पैसा पूर्व विधायक रविंद्र रवि ने दिया हुआ है, बाकी का बजट भी मुझे उम्मीद है कि जयराम सरकार उपलब्ध करवा देगी। सागर ने कहा कि लोगों की ये समस्या काफी बड़ी है तथा इसके समाधान के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। आज मैंने यहाँ शेर लोहारा देहरू सड़क की दुर्दशा को लोगों के स्थानीय लोगों के साथ मैंने यहाँ पे देखा है और सड़क की सही बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। लोगों का पैदल चलना भी सड़क पे नामुमकिन हो चुका है और ये सड़क पूरी की पूरी सड़क जो है नाले में तब्दील हो चुकी है। मेरी अधिकारी से बात हुई है तो मैंने बताया कि यहाँ पे पहले कुछ पुलियों का निर्माण किया जाएगा तो मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि जल्द यहाँ पुलियों का निर्माण किया जाए। और रही बात पुलियों के निर्माण के बजट के लिए तो पूर्व विधायक जी ने भी यहाँ पे 2 पुलियों के निर्माण के लिए कुछ एक पैसा सैंक्शन किया हुआ था अपनी विधायक निधि से और बाकी की राशि भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ऐसी कंपोनेंट या किसी ऐसे बजट से ये राशि यहाँ पे करवाई जाए क्योंकि यहाँ पे अधिकतम जो आबादी है 80% के करीब आबादी जो है वो अनुसूचित वर्ग की आबादी है और ये आज के टाइम में ये सोचना ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से मुख्य मार्ग से मात्र 10 मीटर दूर लोगों का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी इस मुद्दे को उठाऊंगा, मांग रखता हूँ और क्योंकि लोक मार्ग भारतीय से मुख्यमंत्री महोदय के पास ही है तो हम मांग करते हैं और लोग भी इस हक के लिए सड़क इस सड़क सुविधा के लिए मुझे चाहे किसी स्तर पर संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।